जिला में अलग अलग स्थानों पर कार्यवाही की गई है, इस संबंध में लोकल पुलिस को अभी जानकारी नहीं है और जो भी जानकारी हमें प्राप्त होगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी। आतंकी जाकिर मूसा को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहले ही हाई अलर्ट पे था। ऐसे में एनआईए की टीम द्वारा आज अमरोहा में की गई छापेमारी ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। मुरादाबाद मंडल में पहले भी आतंकी संगठनों के स्लीपिंग मॉड्यूल होने की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों के पास थी और उसको लेकर लगातार छापेमारी भी की जाती रही है, लेकिन अब नए आतंकी संगठन के मॉड्यूल से सुरक्षा एजेंसियों को दोबारा अपनी कार्य प्रणाली को लेकर सोचना होगा। मुरादाबाद मंडल के रामपुर, अमरोहा, संबल और बिजनौर जनपद में पहले भी आतंकियों के छिपे होने के मामले सामने आते रहे हैं। ऐसे में सैदपुर इम्मा गांव में आज हुई छापेमारी में अब तक कुछ ज्यादा खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो उनके मुताबिक जिस घर में छापेमारी की गई थी वहां से कई संदिग्ध सामान बरामद हुआ है, साथ ही कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। भुवन चंद्रा, ईटीवी भारत, अमरोहा।